Hey guys, welcome back to the channel. So guys, आज हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं how to do wheelie in Buddha cycle, यानी कि Buddha cycle में आगे का चक्का कैसे उठाए. So वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आप wheelie कर पाएंगे. तो चलिए वीडियो की ओर शुरू करते हैं. wheelie करने से पहले अपनी सिर को सेफ्टी के लिए हेलमेट लगा लीजिएगा, हेलमेट इंपॉर्टेंट है. गाइस, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे जिस स्टेप को आप फॉलो करके wheelie कर पाएंगे. तो पहले आपको यहाँ पर पैर पहुँचने पर आपको प्रेशर देना है, और नॉर्मल साइकिल के मुकाबले आपको इस साइकिल में ज़्यादा प्रेशर देना होगा हैंड से, और आपको पैडल प्रेशर से व्हीली उठाने का कोशिश करना है. आपको यहाँ ऐसे उठाने ला है, फर्स्ट स्टेप ये आपको ये उठाने ला है, सेकंड स्टेप आपको नॉर्मल स्पीड में आना है, उसके बाद ऐसे उठाना सीखना है गाइस. और थर्ड स्टेप भी सेम ही है, आपको आपको भी थोड़ा बहुत उठा के आपका इंक्रीज होगा, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत उठाने के बाद आपका उठेगा. आपको प्रैक्टिस करते रहना है, फिर भी आपको उठाने में हार्ड होता है तो आप साइकिल दुकान में जाइएगा और यहाँ पर रिक्शा का फिर भी लगा लीजिएगा, जो कि 150 रुपये में मिलता है साइकिल दुकान में. उसके बाद आप हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दिन दो दिन में नहीं होने वाला है गाइस, हमको भी बहुत दिन लगा. रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद रिक्शा का फिर बिल से और ईजी होगा. और लास्ट में आप जब थोड़ा बहुत उठा लेंगे, आपको दूर ले जाने के लिए ब्रेकिंग, ऐसे ब्रेकिंग करना है, ये चार अंगुल से करना है. ये बुड्ढे साइकिल में, हाँ नॉर्मल साइकिल में दो अंगुल से करते हैं, इसमें चार अंगुल से करना पड़ेगा. ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं चाहिए क्योंकि ये पीछे की ओर ज़्यादा नहीं पलटेगा, तो थोड़ा बहुत ब्रेकिंग होने से भी इसमें हो जाएगा व्हीली. ये सब ट्रिक्स आपको फॉलो करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद ऐसे हमारे जैसे कर पाएंगे जैसे हम दिखा रहे हैं. सो गाइस, देखिए हम कैसे व्हीली करते हैं, ऐसे आप उठा पाएंगे हर रोज प्रैक्टिस करने से. गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको थोड़ा बहुत इससे व्हीली का सीख मिला है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद, वंदे मातरम.